दोस्तों फाइनली सोनी ने अपना एल सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इन्होंने X80L मॉडल को लॉन्च किया है। पिछले साल K सीरीज था, इस साल इन्होंने एल सीरीज को लॉन्च किया है। क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है इस एल सीरीज में, आइए इस वीडियो में देखते हैं। साइज की बात करें, इन्होंने दो साइज को लॉन्च किया है, 43 इंच एंड 50 इंच। 85 इंच भी लॉन्च होने वाला है, अभी कमिंग सून है। इस टीवी की डिजाइन की बात करें तो इसका जो डिजाइन है बेजललेस डिजाइन है, साथ ही साथ इसमें बैक साइड से सेम डिजाइन देखने को मिल रही है पिछले साल के लाइनअप की तरह। स्टैंड में इन्होंने थोड़े से चेंजेस करी है, जैसे कि इसके जो स्टैंड थे पहले इस तरह के देखने को मिलते थे, अभी के स्टैंड में थोड़े से चेंज करी गई है। जैसे कि यहाँ पे एडजस्टेबल स्टैंड है, इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी को देखें तो यहाँ पे सभी तरह का पोर्ट्स दिए गए हैं। 4 HDMI है जो कि वर्जन 2.1 के साथ आता है। HDMI 3 एंड HDMI 4 ऑटो लो लेटेंसी मोड को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ EARC को भी सपोर्ट करता है। 2 USB पोर्ट है, ऑप्टिकल लैंड पोर्ट, RF इनपुट, हेडफोन आउट, ऑलमोस्ट सभी तरह का पोर्ट्स यहां पे प्रोवाइड किया गया है। कनेक्टिविटी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, साथ ही साथ ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया है, कम से कम 5.0 तो सपोर्ट होना चाहिए था जिस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये टीवी लॉन्च हुए हैं। अगर इसके पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये टीवी 4K के साथ आती है, D-LED पैनल के साथ है, जो कि फ्रेम डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसमें ब्लैक लेवल आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं प्रोसेसर वगैरह की तो इस टीवी में भी प्रोसेसर सिमिलर देखने को मिलेंगे जो पिछले साल के लाइनअप में थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। 4K X1 HDR प्रोसेसर दिया गया है जो कि क्लियरिटी को और भी इन्हांस करता है, डिटेलिंग को काफ़ी इन्हांस करता है, साथ ही साथ रेजोल्यूशन को अपस्केल करने के लिए इसमें मिलता है X Reality Pro प्रोसेसर इंजन। नॉन 4K वीडियो को अपस्केल करके नियर बाई 4K तक दिखाया जाता है। तो प्रोसेसर दोनों चीज़ें यहाँ पे सिमिलर दी गई है। पिछले साल के सीरीज में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, सिमिलर प्रोसेसर इस साल भी देखने को लेंगे। ट्राइल्यूमिनस प्रो देखने को मिलता है जो कि कलर को काफ़ी बूस्ट करता है, कलर की वाइब्रेंसी को बढ़ाता है। ओवरऑल यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इस टीवी में जो पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड किया गया है वो सारी चीज़ें पिछले साल के लाइनअप से मिलता जुलता है। बट इसका जो फाइनल रिव्यू हम देखेंगे तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ चेंजेस किया गया है। ऐसे स्पेक्स वगैरह को देखें तो यहाँ पे सिमिलर स्पेक्स के साथ ये टीवी देखने को मिलती है। साउंड की बात करें तो यहाँ पे साउंड में भी कुछ चेंजेस नहीं करी गई है। साउंड में टोटल आउटपुट 20 वाट का दिया गया है, साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, तो ओवरऑल साउंड आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अगर इसके UI के बारे में बात करें तो ये टीवी गूगल टीवी के साथ आ रही है। इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज में थोड़े से चेंजेस करी गई है। पहले आपको 16 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज देखने को मिलती थी, अभी के मॉडल में आपको 32 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़े से अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं इसके स्टोरेज में, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता था, थोड़ा बहुत स्टोरेज में कभी कभी दिक्कत आती थी। साथ ही साथ बात करें इसके कनेक्टिविटी के बारे में तो क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले एंड एप्पल होमकिट का सपोर्ट मिलता है। वॉइस कमांड में यहाँ पे मिल जाता है गूगल असिस्टेंट, हैंड्स फ्री वॉइस कमांड का भी सपोर्ट है। ओवरऑल UI की बात करें तो ये टीवी सिमिलर UI के साथ देखने को मिलेंगे, थोड़े से चेंजेस करी गई है इनके ऑनबोर्ड स्टोरेज में। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो इन दोनों मॉडल के प्राइसिंग को आप देख सकते हैं। फिलहाल ये MRP है, इसका जो ऑफर प्राइस है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, कितने में ये देखने को मिलेंगे। अगर मैं अपना अप्रॉक्स प्राइस बताऊं तो इसका जो 43 इंच वेरिएंट है वो आपको लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच में देखने को मिलेंगे, और इसका जो 50 इंच का वेरिएंट है वो लगभग 80 to 85 के बीच में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो 50 इंच वेरिएंट है वो थोड़े से महंगे होते हैं। अगर आप 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के इसके 55 इंच वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हैं। वैसे इसका बेस्ट बाय प्राइस मार्केट में अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरा ओपिनियन ले इन एल सीरीज़ के बारे में तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करी गई है, सभी चीज़ें सिमिलर है इन एल सीरीज़ में जो के सीरीज़ आता था। बस 2-3 चीज़ों को चेंज करी गई, जैसे कि इसके स्टैंड में थोड़े से बदलाव देखने को मिलेंगे और इसमें ऑनबोर्ड स्टोरेज को बढ़ा दिया गया है, बाकी बात सभी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलेंगे। वैसे फाइनल रिव्यू करने पे ही पता चलेगा इनके पिक्चर क्वालिटी में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और अभी के जो के सीरीज़ है वो प्रेजेंट में जो मिल रहे हैं उनसे कितना बेटर है ये टीवी। वैसे अगर आपको परचेस करना है अभी के सीरीज़ को तो वैसे बेस्ट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरा ओपिनियन लें इन टीवी के बारे में तो आप बिल्कुल इसके के सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इन एल सीरीज़ के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको नाम डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
गुड बाय।